मुंबई पुलिस ने बुधवार की सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बताया कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी है कि मुंबई पुलिस सुबह सुबह अर्णव के घर पहुंच गई थी और यहां पुलिस ने उसको हिरासत में लेने की कोशिश की। यहां अर्णव के साथ जोर जबरदस्ती किए जाने की भी खबर है। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक रिपब्लिक टीवी ने अपने चैनल पर फुटेज शेयर किया है, जिसमें मुंबई पुलिस अर्णव के घर में घुसती नजर आ रही है और घर के अंदर अर्णव से जोर जबरदस्ती कर रही है। ANI ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस ऑफिसर अर्णव का हाथ पकड़कर खींच रहा है। अर्णव गोस्वामी का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की है। आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी का चैनल पहले ही TRP रेटिंग में छेड़छाड़ किए जाने के आरोप का सामना कर रहा है। मुंबई पुलिस ने पिछले महीने इसे लेकर एक केस फाइल किया था, जिसमें जांच हो रही है। मुंबई पुलिस ने कहा था कि रिपब्लिक टीवी ने दर्शकों को अपना चैनल देखने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस को विज्ञापनों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का भी शक है। इस मामले में अभी तक रिपब्लिक के कई शीर्ष अधिकारियों को समन भेजा जा चुका है और कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। नगर के निवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा एवं प्रकाश पर्व दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए मास्क बहुत आवश्यक है और कहीं भी आप दर्शन करने जाइए या मेला में जाइए, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, इसका ध्यान रखिए। मैं कमल शर्मा, महानगर अध्यक्ष, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, माननीय राजा भैया जी की पार्टी।